सो फाइनली दोस्तों कल की 2898 AD वो भाई साहब डे वन की एडवांस बुकिंग, भाई फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग 100 करोड़ की ओपनिंग लेने जा रही है, मिनिमम 100 करोड़। जवान की धोती खोल दी भाई, छपरी लोगों की धोती उतार दी भाई, सच बता रहा हूँ मैं, क्या यार। और टिकट मारो भाई, टिकट लगभग 7,25,000 क्रॉस कर चुका है टिकट भाई, ये क्या हो रहा है यार। प्रभास का ना स्टारडम दोस्तों इतना ज़्यादा बोल रहा है कि सब लोग कांप रहे हैं भाई। ये है पावर ऑफ प्रभास, ये है दोस्तों ओवरसीज का बाप, असली बाप बोले तो प्रभास। कौन कौन से मेरी बात से सहमत है कमेंट जरूर करना भाई साहब। डे वन नंबर वन की डे वन की एडवांस बुकिंग लेकर आऊँ और क्या क्या रिकॉर्ड अपने नाम करी सब बताऊंगा भाई साहब, वीडियो को अंत तक देखना। और भाई साहब जितने भी छपरी के आएंगे प्लीज़ यार, अगर हैंकी नहीं है तो प्लीज़ जेब से हैंकी निकाल लो, आँखों से आंसू पोंछने में काम आएंगे दोस्तों। भाई बड़ा मजा आ रहा है ना, ऐसी मजा आने वाला है, ठीक है। तो लाइक कमेंट ठोक ठोक के करो, अपने भाई रवि चौधरी प्यार दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल दोस्तों, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, हो सकता है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं लाइक के आपके रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूँ, सो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स आ जाते हैं और थोड़ा टाइम भी मेरे पास कम रहता है। लेकिन यहाँ पर सभी फैंस को, सभी भाई लोगों को, सभी बंधु लोगों को मेरा नमन, हाथ जोड़ के इसी तरह प्यार देते रहिए और कॉमेंट तो भर भर के करते रहिए। आपके कॉमेंट का रात में पढ़ूंगा और पिन भी करूँगा मैं, ठीक है दोस्तों, प्रॉमिस रहा। सो बहुत सारी अपडेट लेके आऊँ, तो सबसे पहले अपडेट बता दूँ भाई। देखो दोस्तों, हिंदी बेल्ट में आंकड़ा भले ही कमजोर रहे लेकिन साउथ अकेला ही काफ़ी है। पहली बार किसी भारतीय सिनेमा की ऐसी फिल्म जो एडवांस डे वन का 100 करोड़ मिनिमम, और आपको बता दूं कि जवान 37 से लेकर 40 करोड़ में ही विथ कॉर्पोरेट बुकिंग, बोले तो भैया ताता थैया रमैया वस्तावैया हो गया था जवान का, मतलब कुत्ते लोग सिनेमा मूवी देख रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे खाली थिएटर के अंदर। लेकिन भाई साहब इसका बज इतना बना हुआ है कल की मूवी का, क्या बताऊं भाई, मतलब जवान से तिगुना चौगुना एडवांस बुकिंग। और आप सोच सकते हो कि जब एडवांस बुकिंग तिगुना चौगुना हो रहा है, सो 1200 करोड़ जवान ने कमाए हैं, 1148 करोड़, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कलेक्शंस दुगुना तिगुना भी हो जाए तो भाई साहब क्या ही बवाल मच गया भाई। 3000 करोड़ हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो, उससे भी ज़्यादा भाई साहब, अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है इस फिल्म को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दूँ, हर एक घंटे में 25,000-26,000 टिकट्स हैज़ बीन सोल्ड आउट। इसके अलावा दोस्तों, जो टॉप 3 नेशनल चैंस हैं हमारे इंडिया के, 45,000 से भी ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुका है। ये शाम की रिपोर्ट बता रहा हूँ 6 बजे तक की, जिसमें 36,000 PVR IONX एंड सिनेपोलिस से 9,000 टिकट्स हैज़ बीन सोल्ड आउट दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि स्कैल्डिक रिपोर्ट के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, विथ अनब्लॉक सीट 21,64,00,000 7,25,320 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड मेरे भाइयों, 12,554 शोज पे अभी एडवांस बुकिंग चल रही है। इसके साथ ब्लॉक सीट की बात करूँ 30,73,00,000। एंड दोस्तों आपको बता दूँ कि टोटल कलेक्शन जो हो रहा है ओवरसीज़ का मिलाकर, अभी जबकि 3 दिन बाकी है दोस्तों, 100 करोड़ तो कंप्लीट हो जाएंगे, इससे ऊपर अभी तक 70 करोड़ को क्रॉस कर गई है, ऑलमोस्ट 80 करोड़ को टच कर रहेगी आज दोस्तों। जी हाँ, तो आप सोच सकते हो कि अगर 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग है तो भाई साहब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फर्स्ट डे का क्या होगा। जवान 129 करोड़ था वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, आप सोच सकते हो कि भाई साहब 210 करोड़ तो मुझे कम ही लग रहा है, कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार 280 से लेकर 300 करोड़ की ओपनिंग फर्स्ट डे की कंप्लीट होगी होगी दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो कलेक्शंस आ रहे हैं तेलुगु राज्य से आ रहे हैं 2D 3D में, जहाँ पर 6,00,000 से भी ज़्यादा टिकट एंड दोस्तों 4,000 से भी ज़्यादा शो चल रहे हैं। एंड उसके बाद हिंदी फर्स्ट नंबर पर, तेलुगु हिंदी 2D 3D में 65,000 टिकट एंड 5,500 शोज पे चल रही है। हालांकि दोस्तों 5,500 शोज ज़्यादा है देखा जाए तो। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग के रिस्पांस आ रहे हैं, इस फिल्म की प्रमोशन चल रही है लिटरली दोस्तों, बहुत ही सॉलिड आ रहा है। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, क्या बोलते हैं, धोती तो खुल चुकी है जवान की। जवान को बड़ी फिल्म बोलते हैं ना छपरी लोग, आजकल नज़र भी नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गुम हो गए, अंधेरे में सारा टॉर्च जला के भी देखो ना तो कोई दिख नहीं रहा है। और जरा सा शाहरुख खान की मूवी हो जाए तो छपरी लोग मेंढक की तरह टर टर बाहर आ जाते हैं, पता नहीं डंकी कितनी हाइप इन्होंने बना दी, डंकी को फंकी मूवी को देख ही नहीं रहा था। और सलार के सामने तो भाई साहब डंकी कहाँ चलती,
भाई अभी भी ट्रिपल आर के रिकॉर्ड को तोड़ दी फिल्म यार, ट्रिपल आर से बड़ी है क्या जवान, आप खुद सोचो। सो भाई साहब जवान की धोती और सब फाड़ दिया है भाई साहब, ठीक है लिटरली बताऊँ। एंड ये फिल्म लिटरली मजा आने वाला है, मैंने तो एडवांस बुकिंग कर ली है। क्या आप एक्साइटेड हो, क्या आपने एडवांस बुकिंग कर ली है? भाई सुपर बज बना हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस क्या होगा? जी हाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। और बुक माई शो पे 1.1 मिलियन भी दोस्तों क्रॉस हो चुका है, 1.2 मिलियन बहुत जल्द होने वाला है। आपको बता दूं कि बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 300 प्लस करोड़ जाए तो मजा आ जाए। एंड तीन दिन में यस इट इज नो डाउट दोस्तों इट इज कन्फर्म 1000 करोड़ कलेक्शन मात्र तीन दिन में होगा, मात्र तीन दिन में। और इस फिल्म के सामने किसी के बस की बात नहीं है कि अपनी फिल्म को क्या बोलते हैं 100 करोड़ की कलेक्शन भी दे दे, क्योंकि चलेगी नहीं भाई, चलेगी नहीं। सो दोस्तों ये थी रिपोर्ट, क्या लगता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा, क्या कौन बड़ा हो जाएगा इस फिल्म के बाद दोस्तों, कौन कहलाएगा ओवरसीज का बाप, प्रभास या दोस्तों शाहरुख खान? किसकी है स्टारडम में पावर, प्रभास या शाहरुख खान? जवान वाकई में जवान अब बूढ़ा हो गया है भाई, लेकिन कल की एक ऐसा फिल्म दोस्तों, मुझे लगता है इस फिल्म के बाद दुबई के जो बुर्ज खलीफा है शाहरुख खान का पत्ता वहां से कट जाएगा, क्योंकि वहां दिखेगा सिर्फ और सिर्फ प्रभास। दोस्तों क्या आप मेरी बात से सहमत हो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या लगता है फर्स्ट डे की ओपनिंग क्या होगी और लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा कल की मूवी का? जी हो दोस्तों बता रहा हूँ, ऑप्शन ए 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय प्रभास।